आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं, ये मामला ना धर्म का है ना तो किसी जाति का है, ये मामला हमारी मातृभूमि के बड़े सम्मान का इसलिए है और इसलिए आज आर पार में हम इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। क्या किसी को अपनी मातृभूमि को सम्मान देने में परेशानी हो सकती है? इसका जवाब तो नहीं होगा, लेकिन शायद कुछ लोग जानबूझकर राष्ट्रगान नेशनल एंथम का अपमान करने में लगातार जुटे हुए हैं। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? किसी को भारत माता की जय कहने से आपत्ति है तो किसी को राष्ट्रगान से एलर्जी दिख रही है। 25 सालों से एक स्कूल में राष्ट्रगान गाया नहीं गया है। क्या इस देश में आने वाली जनरेशन को लेकर एक बड़ी साजिश हो रही है? कौन है इस साजिश का, कौन है इस साजिश के पीछे? आज इसी पर होगा आर पार। 25 सालों से क्यों नहीं आया, क्यों नहीं गाया गया राष्ट्रगान? आज बड़ा खुलासा इसी पर आर पार के अंदर। ठीक 3 दिन बाद पूरा देश आजादी के 70 साल का जश्न मना रहा होगा। पूरे शान से देश भर में राष्ट्रगान गाया जाएगा। लेकिन आज आर पार में हम वो खुलासा करने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। गौर से देखिए इस स्कूल को। ये स्कूल भारत में ही है और दिल्ली से महज 180 किलोमीटर दूर। लेकिन बीते 25 सालों में इस स्कूल में कभी राष्ट्रगान नहीं गाया गया। मैं 12th में पढ़ता हूँ। नहीं, आज तक इस स्कूल में राष्ट्रगान नहीं हुआ। हमें मुझे 5 साल हो गए पढ़ते हुए, आज तक कभी ना राष्ट्रगान नहीं हुआ। आपने बोला भी नहीं, नहीं मेरे अकेले बोलने से थोड़ा ही कुछ होगा, और को भी तो बोलना चाहिए ना। जरा इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब को भी देख लीजिए और राष्ट्रगान पर इनके ज्ञान का अंदाजा लगाइए। This is your national song. This is our national song. बताओ दो लाइन क्या होती है, राष्ट्रगान क्या होता है? जन मान गान, ये तो होता है। आगे दो लाइन बताओ, दो लाइन। जन मान गान है और जो एक्चुअली ना एक्चुअली नॉर ऑल नहीं एक्चुअली ऑल वर्ल्ड राइट। लेकिन ये पहला मौका नहीं है। हाल ही में इलाहाबाद के एक स्कूल का मामला सामने आया जहां पिछले 12 सालों से राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। सवाल ये है कि क्या कुछ लोग जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं? मुद्दा ये भी है, आखिर देश भर में ऐसे कितने स्कूल हैं जहां राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा? या तो स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज के कार्रवाई करनी चाहिए। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तब कहीं ना कहीं जागरूक लोग और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? कभी JNU में देश विरोधी नारे लगते हैं, कभी कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, और अब राष्ट्रगान को लेकर ये तमाम खुलासे। क्या कुछ लोग मातृभूमि को लेकर असम्मान के मिशन में जुटे हैं? इसी मुद्दे पर हम करेंगे आर पार। आज आर पार में हम कुछ सवाल उठाते हैं जो गंभीर हैं। सवाल नंबर 1, 25 सालों से क्यों नहीं गाया गया राष्ट्रगान? क्या मंशा थी इसके पीछे? छात्रों को राष्ट्रगान से दूर रखना कितना जायज है? कोई स्वेच्छा से न गाए वो बात अलग है, लेकिन वंचित रखना कितना सही है? ये बड़ा सवाल आज आर पार में हम खड़ा करते हैं। सवाल नंबर 3, क्या ऐसा करना देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए? सवाल नंबर 4, देश में कितने स्कूलों में राष्ट्रगान इस समय नहीं गाया जा रहा? कितने और स्कूल है? पहले इलाहाबाद से निकला, अब रुड़की से निकला, और कितने स्कूल है जहां पर जन गण मन गाने की इजाजत तक नहीं है? बताइए जरा, सरकार को क्या सर्वे नहीं कराना चाहिए? ये सरकार केंद्र सर के सवाल केंद्र सरकार से भी है और राज्य सरकार से भी है। सवाल नंबर 5, राष्ट्रगान ना गाने के पीछे बड़ी मंशा क्या हो सकती है? ये बड़ी बात है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को बताना चाहता हूं कि इस पे राजनीति करेंगे कोरी तो मैं आज नहीं बख्शने वाला, और अगर वाकई राष्ट्र की उनको चिंता है तो आज कुछ कंक्लूजन वो देके जाए। संबित पात्रा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, विजय शंकर तिवारी हैं जो कि VHP के नेता है, फहीम बेग हैं जो कि इस्लाम के जानकार हैं, और मोहम्मद अदीब इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व सांसद है राज्यसभा के। सबसे पहला सवाल फहीम बेग आपसे,
आपकी इस विषय पर राय क्या है और इस खुलासे पर आपका कहना क्या है? 25 सालों से राष्ट्रगान नहीं गाया। देखिए, सबसे पहले तो उस सच्चाई को जानने की जरूरत है। सच्चाई आपके सामने है। उस स्कूल ने राष्ट्रगान को नहीं देखिए ना, उनकी क्या मंशा, उनका भी आपने जो है ना उनका वर्जन नहीं लिया। आप गलत कह रहे हैं, थोड़ा सा आपसे चाहूंगा होमवर्क। गलत कह रहे हैं, हम स्कूल के प्रिंसिपल तक उन्होंने अपना वर्जन नहीं, देखिए हम स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंचे, सुबह से लगातार फोन में और मिला रहे हैं, मगर उनका वर्जन आपने नहीं लिया। आपने उनका नहीं, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ भाई, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ। राष्ट्रगान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप अपनी मंशा बताइए ना, आपकी राय क्या है, आप अपनी राय बताइए। देखिए देखिए, राष्ट्रगान को लेकर ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि लोगों ने अलग अलग मायने निकाल रखे हैं। राष्ट्रगान की परिभाषा, उसके शब्दार्थ, किस तरीके से उनके साथ खेल खेला गया है इस देश में जब से ये राष्ट्रगान बना है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास इसका गवाह है। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर ने यह बनाया था तब भी इसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी और इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। फिर 9 साल के जाने के बाद तब कहीं जाकर राष्ट्रगान को एडिट कर इसमें से वो कुछ चीज़ें निकाल कर इसको प्योर शुद्धिकरण करके फिर राष्ट्रगान को तैयार किया गया। उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शक के दायरे में आती हैं, मगर मैं उस तरफ नहीं जाना आपको राष्ट्रगान पे शक क्यों दिख रहा है, बताइए जरा। मैंने राष्ट्रगान के मायने समझे हैं, सुनिए मैं आपको बताऊं, जॉर्ज पंचम जो थे, ये कहा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये राष्ट्रगान, उस वक्त राष्ट्रगान नहीं था, ये एक गीत की शक्ल पे था, तो ये गीत जो है उनके सम्मान में गाया। लोगों ने इल्जाम लगाया, आप फहीम बेग एक बात बताइए, संविधान सभा में, संविधान सभा में जब ये राष्ट्रगीत अपनाया गया उस समय मौलाना आजाद बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मौलाना थे, बहुत बड़े इस्लामिक विद्वान थे, वो उसके मेंबर थे और उन्होंने उसको स्वीकृति दी। उनकी स्वीकृति देने के बाद में आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, एक तो पहली बात तो यही बहुत विडंबना है देश की। फहीम बेग, मैं आपकी बात के साथ आ रहा हूँ, क्योंकि आप गलत दिशा में भी आप फहीम बेग के साथ हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। मैंने ये कहा कि मौलाना, ये आपको भी लगता है कि राष्ट्रगान को लेकर विडंबना है, आपको लगता है ये विडंबना है, बोल क्या रहे हैं, मैं कहूं ये विडंबना है कि ऐसे लोग बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को बोलने की आजादी है, राष्ट्रगान के खिलाफ बोलने की आजादी है, ये विडंबना है। फहीम बेग, किराया क्या आपकी, बताइए, 30 सेकंड आपके पास, अपनी बात। अरे जनाबे वाला, सुन लीजिए महाराज, शांति शांति शांति, मैं वही आ रहा हूँ, आप इतनी जल्दी फैसला मत लो, आप जज मत बनो, ये कानून के काम होते हैं। नहीं, जस्ट तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि राष्ट्रगान को कुछ धर्म के लोगों ने, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा, आप निर्णय नहीं। अरे आप सुन तो लीजिए, मैं पूरी बात तो करने नहीं दे रहे, आप पूरी बात तो करने दी, अब मेरा कॉन्क्लूड तो करने दीजिए, मुझे कॉन्क्लूड तो करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग धर्म के लोगों ने राष्ट्रगान के अलग अलग मायने बना रखे हैं, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता उसमें जो अधिनायक की बात कही गई है, उसमें जो भाग्य विधाता की बात कही गई है, वो ईश्वर को समर्पित है, ऐसा मैं मानता हूं, इसलिए मैं राष्ट्रगान को गाता हूं, पढ़ता हूं। मगर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कुछ हमारे शरारती तत्व, मैं उनकी तरफ भी आऊंगा अभी, वो इसको बांट कर राजनीति कर आपस में, अब सवाल ये आता है कि हमारी शरारती तत्व क्यों, क्या आपको लगता है इसके पीछे बीजेपी की शरारत है, आरएसएस की शरारत है, कांग्रेस की शरारत है, बीजेपी की शरारत है, शरारत किसकी है आपको? जी जी, राष्ट्रगान गाया नहीं जा रहा, माशाल्लाह आपने नाम ले दिए। मैं आप कमाल है, 25 सालों से राष्ट्रगान गाया नहीं जा रहा, आपको उसका अफसोस नहीं है, आप राष्ट्रगान पे विडंबना कर रहे हैं, मुझे तो विडंबना आप पे हो रही है, मुझे तो विडंबना आप पे हो रही है, शक आप पे हो रहा है कि आपकी मंशा क्या है, आप किसकी तरफ है, आप भारत की तरफ है या किसी और की तरफ है, आप किसकी तरफ है? फहीम बेग माशाल्लाह, किसके साथ है आप? अमित जी, मैं आपसे ज्यादा ऊंचा बोल सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझमें बड़ी ताकत है ऊंचा बोलने की, मगर ये ऊंचा जवाब दीजिए मेरे सवाल का, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस देश का सबसे बड़ा संगठन, इस देश का सबसे बड़ा संगठन जो आज देश की सरकार चला रहा है, वहां पर पिछले सदियों से जब से वो बना है
आज तक राष्ट्रगान नहीं हुआ है। अमीश जी, मुझे लगता है प्रेम बेग को बिल्कुल जानकारी नहीं है। और दूर जाने की जरूरत नहीं गाते होते तो आज आपके साथ बात नहीं कर रहे होते। दूर जाने की जरूरत नहीं, तिरंगा हो झंडे वाला पे जाइए, तिरंगा हो झंडे वाला पे जाइए, हमारा अभिमान है तिरंगे पर। आप जाने की सवालों के घेरे में आ जाने की चेन्नई जाने की सवालों घेरे में मैं सब पात्र को लाना चाहूंगा। झंडे वाला पे जाइए, सरकार की बात हो रही है, मैं सब पात्र को लाना चाहूंगा। मैंने बोला था कार्यक्रम की शुरुआत में सियासत नहीं होनी चाहिए, मातृभूमि का मामला है। देश का तिरंगा नहीं, वहाँ पे भगवा झंडा लगा है, वहाँ एजेंडा दूसरा चल रहा है। अब आप तिरंगे पे मत आइए, अब आप तिरंगे पे मत आइए, तिरंगे की वजह से लगो हिंदू को मुसलमान से। टॉपिक पर रहिए, टॉपिक पर रहिए। राष्ट्रगान पर आपको विडंबना है, राष्ट्रगान पर आपको विडंबना है और मुझे आप में विडंबना है कि आप इस देश में रह रहे हैं। मैं सीधा रुख करता हूँ संबित पात्रा का। संबित पात्रा, हम चाहते थे कि हमारे देश में सर आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं, जितना बोल रहे हैं उतना एक्सपोज हो रहे हैं और लगातार फेसबुक पर ट्विटर पर आपके बारे में फीडबैक भी आ रहा है। टोटली एक्सपोज हो रहे हैं राजनीति। आपने एक बात का जवाब नहीं दिया, राष्ट्रगान गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, कोई आपके पास जवाब नहीं है। आपको खुद लग रहा है कि आप उनकी तरह राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते, मगर इस राष्ट्रगान के पीछे की राजनीति, राष्ट्रगान के पीछे की राजनीति। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर आप भारत में रहते हैं, अगर राष्ट्रगान है तो आपको मानना पड़ेगा। कल को आप तिरंगा भी नहीं मानेंगे, कल को आपको तिरंगे से भी तकलीफ हो जाएगी। मैं भारत माता की जय से भी कुछ लोगों को तकलीफ है। मैं राष्ट्रगान गाता हूँ, मैं खुद राष्ट्रगान गाता हूँ। तो फिर राष्ट्रगान के पक्ष में संबित पात्रा, संबित पात्रा इस दौर में संबित पात्रा चाहते हैं। फहीम बेग का आपने जवाब सुना, जवाब ये स्कॉलर बंद कर दें, अपनी बात को मैं बोलना शुरू करूं। नहीं, अब आप सुनिए फहीम बेग, अब आप सुनिए संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं। जब भी राष्ट्रवाद की बात होती है, जब भी नेशनलिज्म की बात होती है, जब भी देशभक्ति की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी या फिर मैं कहूं राइट विंग इसका पैरोकार बन के सामने आता है। 25 साल से एक स्कूल में राष्ट्रगान नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा है, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपके आप जैसी पॉलिटिकल पार्टी को यह पता ही नहीं लगा, उत्तराखंड की बात है, आपकी भी सरकार थी उन 25 साल के। देखिए, पहली बात तो है ये एक ऐसा विषय है जिस पे हम अगर पांच लोग यहाँ बैठे हैं तो पांचों को सहमत होकर कहना चाहिए कि ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि एक स्कूल में 25 साल से राष्ट्रगान नहीं हो रहा है। एक स्कूल ने किसी षड्यंत्र के अंतर्गत 25 सालों से अपने स्टूडेंट्स को राष्ट्रगान नहीं गाने दिया, इसमें भी किसी प्रकार का डिविजन हो सकता है, यह जानकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। और देखिए, फहीम बेग साहब इतनी क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके नाम के नीचे आ रहा है कि आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। देखिए, कोई भी स्कॉलर हो और खास करके अगर धर्मगुरु हो, उसको बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहिए, शांति से समझाना चाहिए। तीसरी बात है, ये बड़ा विडंबना का विषय है, क्योंकि विडंबना इतना ही इन्होंने कह दिया है कि मुझे भी उसका जवाब प्रयोग करना पड़ेगा। ये बड़े विडंबना का विषय है कि कुछ, मैं सुन लीजिए, कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से क्या क्या डिबेट होने लगा है, राष्ट्रगान गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, वंदे मातरम गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए नहीं फहराना चाहिए। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। फहीम बेग साहब अभी उसको धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें राष्ट्रगान में हैं, और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वो उसको कह रहे थे इस राष्ट्रगान में, ये राष्ट्रगान में। अरे, राष्ट्रगान बड़ा सम्मानित गान होता है, उसको इस राष्ट्रगान, यह राष्ट्रगान कह के संबोधित भी नहीं करना चाहिए। फहीम बेग साहब, आप स्कॉलर हैं, थोड़ा शांति से सुनिए, शांति होनी चाहिए स्कॉलर में, तभी वो स्कॉलर कहलाता है। बहुत त्वरितता स्कॉलरशिप की लक्षण नहीं होते, ध्यान से बैठिए। देखिए, आप कहते हैं कि इस राष्ट्रगान में बहुत विडंबनाएं हैं, यह राष्ट्रगान विडंबनाओं से भरा हुआ है, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ दिया है। आपने जाने अनजाने अपनी एक आपत्ति भी दर्ज करा दी कि भाग्य भारत भाग्य विधाता, ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं रिलीजियस है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, वंदे मातरम में रिलीजन है, धर्म है, राष्ट्रगान में धर्म है, योगा में धर्म है, सब भगवा रंग में धर्म है, पीपल के पेड़ में धर्म है, आतंकवाद में धर्म नहीं है, ये कैसा ये मुझे समझ में नहीं आता है। आतंकवाद के विषय में बात करते हैं तो आप कहते हैं उसमें धर्म नहीं है, बिल्कुल हम राजी होते हैं, हम सब कहते हैं कि आतंकवाद में धर्म नहीं है, मगर राष्ट्रगान में धर्म कैसे है, वंदे मातरम में धर्म कैसे है,
गाय में धर्म कैसे है, पीपल में धर्म कैसे है, भगवान में धर्म लेकिन कैसे है? बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। मैं रोकना चाहूंगा, सिलेक्टिव प्रशासन इस समय आ गया है। इस समय की बड़ी खबर, आर पार के बड़े खुलासे का, आईबीएन 7 का असर हुआ है और जो स्कूल प्रशासन है वो राजी हो गया है। अब रुड़की के स्कूल में शुरू हुआ है राष्ट्रगान, आज से ही राष्ट्रगान शुरू हो गया है। 25 साल में पहली बारी गाया गया राष्ट्रगान, ये बड़ी खबर है इस समय की। ये है इंपैक्ट आईबीएन 7 की न्यूज का, जो हम आर पार में इस समय बड़ा खुलासा करार कर रहे हैं। सेंट जॉन स्कूल में राष्ट्रगान गाया जा रहा है पूरी मर्यादा के साथ, ये बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं मोहम्मद अदीब का, इस दौर में मेरे साथ मोहम्मद अदीब भी है। मोहम्मद अदीब, पिछले कुछ समय में हमारे देश के अंदर जेएनयू से लेकर जम्मू तक और अलाहाबाद से लेकर रुड़की तक कहीं राष्ट्रगान तो कहीं भारत माता की जय के ऊपर सवाल है और कहीं देश विरोधी नारे हैं, क्या आपको लगता है इसके पीछे क्या है, आपकी राय क्या है मोहम्मद अदीब? बहुत अफसोसनाक बात है। देखिए, एक छोटा सा स्कूल, जाने इस तरह के जाने कितने स्कूल खुल गए। अब उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमारा नेशनल डे क्या होता है। मुझे ये बताया गया कि वो नेशनल डे ही नहीं मनाते, नेशनल डे होता नहीं इसलिए राष्ट्रगान नहीं होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि उसको हमने नेशनल डिबेट बना दिया और उस पर हम बहस कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि नेशनल एंथम पर हम डिबेट कर रहे हैं, पर नहीं करनी चाहिए। हमारे हिस्सा है, हमारे जिंदगी का। आप कह रहे हैं डिबेट इस पे नहीं करनी चाहिए, ये खुलासा नहीं करना आप लोग चाहिए था। सेंट जॉन स्कूल में अगर नहीं हो रहा था तो इस पे नहीं बोलना चाहिए। मुझे हैरत ये है कि ये नेशनल टेलीविजन पर किस क्यों बहस हो रही है, कैसे स्कूल की जो सातवें आठवें तरफ का स्कूल है रिकॉग्नाइज नहीं है। किसी पागल ने कोई ये बात की, मैंने इंक्वायरी की, बात करी मोहम्मद अदीब, क्या कह रहे हैं आप जनाब? आप तो बड़े वरिष्ठ और पागल पर आप नहीं तो वरिष्ठ सांसद रहे हैं, स्कॉलर हैं आप, खुद आप कह रहे हैं कि किसी पागल व्यक्ति ने बात की। अरे भाई, स्कूल का प्रिंसिपल बात कर रहा है, 25 सालों में स्कूल में राष्ट्रगान नहीं हो रहा, आपको ये हल्की बात लग रही है? मेरी बात सुन लीजिए, वही तो यही तो प्रॉब्लम हो रही है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर कोई विषय को समझ में नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं उठाना भी गलत है, इस खबर को बोलना भी गलत है। अगर हम इस खबर को उठाते नहीं, इस खबर को बोलते नहीं, तो आज राष्ट्रगान नहीं होता। अभी समित पात्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये 2 साल से क्या हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। जब आप कह रहे 2 साल इसके लिए जिम्मेदार मेढक निकल पड़े हैं जो सिर्फ इसी किस्म की बहस करते हैं, यही डिबेट करते हैं। ये डिबेट का मौजू है, नेशनल एंथम पे डिबेट होगा। आई पिटी ऑन यू मिस्टर अदीब, आई पिटी ऑन यू द वे यू आर टॉकिंग टुनाइट। हमारा गान है, हमको गाना चाहिए। आपको ये इंक्वायरी करनी चाहिए थी 15 अगस्त को ये छुट्टी करते हैं या 15 अगस्त मनाते हैं। हर स्कूल को चाहिए 15 अगस्त का जश्न मनाए और उसके अंदर नेशनल एंथम गाए। लेकिन आपके ऐसे लोगों को यही काम मिल गया, क्या कह रहे हैं? मुझे लग रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मोहम्मद अदीब मेढक निकलती है, ऐसे ही आप लोग निकल पड़े हैं देशभक्त होके। साथ के सब दुनिया के लोग जो है वो देशद्रोही है और आप देशभक्त हैं। और ना तो कोई देशद्रोही है, देशभक्त हम जरूर है। देशभक्ति में किसी की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अगर 25 साल से नहीं हो रहा था तो ये मुद्दा उठाना गलत है। स्कूल में 12 साल से नहीं बोला जा रहा तो मुद्दा उठाना गलत है। अगर कोई बोलते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा तो ये मुद्दा उठाना गलत है। संबित पात्रा, संबित पात्रा रिएक्ट, संबित पात्रा वांट टू से समथिंग। लेकिन आप बहस कराएंगे फिर उसके बाद उस पे हिंदू मुसलमान करेंगे, यही काम रहेगा आपके पास। इस तरह की डिबेट कराते हैं आप अदीब साहब? देखिए, अदीब साहब की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ शायद, अदीब साहब की पीड़ा मैं शायद समझ सकता हूँ। शायद उनको लग रहा है कि ये डिबेट हिंदू मुस्लिम की तरफ ना जाना चाहिए, जो कि उचित है। ये डिवीजन नहीं होना चाहिए, मगर ये कहना कि ऐसे संजीदे विषय पर डिबेट ना हो, ये मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। देखिए, अभी अभी जब हम टीवी में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ दिया अमीश जी ने कि जो विषय 25 सालों से नहीं हो पा रहा था, एक नेशनल न्यूज़ टीवी ने, मैं कंप्लीट कर लूँ प्लीज सर, मैं कंप्लीट कर लूँ, आप जरूर मुझसे बता दीजिएगा कि जो 25 वर्षों से नहीं हो पाया था, सर सुन लीजिए, 25 वर्षों से जो नहीं हो पाया था राष्ट्रगान, अब स्कूल में शुरू हो गया है। देखिए, राष्ट्रगान एक स्कूल में नहीं हो रहा है, ये हमारे और आपके लिए छोटा सा चीज लग सकता है, मगर ये मानसिकता है। अगर एक स्कूल में नहीं हो रहा है, एक स्कूल से 25 वर्षों में हजारों बच्चे गुजरते हैं,
संपित जी, आरएसएस के विद्यालयों में कब करा रहे हैं? स्कॉलर साहब बोल रहे हैं, आरएसएस के कार्यालयों में कब करा रहे हैं? स्कॉलर साहब एक एक करके बात सुनिए, क्या स्कॉलर हैं आप बताइए, थोड़ा स्कॉलर, थोड़ा स्कॉलरली बिहेवियर तो रखिए। अरे थोड़ा फाइन बेग साहब, आपको लोग स्कॉलर कह के लिख रहे हैं, थोड़ा स्कॉलरली बिहेवियर तो दिखाइए, थोड़ा सा स्कॉलरली बिहेवियर दिखाइए। ऐसे आप, अरे संपित जी आप गए हैं आरएसएस? कल मेरे साथ आरएसएस के कार्यालय चलिएगा, कल चलिएगा मेरे साथ आरएसएस के कार्यालय, कुछ जानते हैं नहीं आरएसएस के कार्यालय के विषय में? जो मदरसा में होता है वो यहाँ बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भैया वो आरएसएस का कार्यालय है, मदरसा नहीं है। ये थोड़ा सा ये स्कॉलर साहब को बोलिए, कैसा स्कॉलर है जो शांत नहीं रह सकते हैं? बजरंग दल की वेबसाइट पर थोड़ा तो अपने नाम का महिमा रख लीजिए, स्कॉलर कहलाते हैं, स्कॉलर की तरह बिहेव तो कर लीजिए, थोड़ा शांत रहिए, स्कॉलर की तरह बिहेव करिए, अच्छा नहीं लगता लोग बोलेंगे स्कॉलर नहीं। आप बात करो, अच्छा सवाल करो तो आप ताने लगाने लगते हो। कल मेरे साथ, मैं आपको निमंत्रित करता हूं। अरे जनाब सुन तो लीजिए, आप जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको निमंत्रित करता हूँ आज IBN 7 के चैनल पे इनविटेशन देता हूँ। आप कल चलिए आरएसएस के शाखा में चलिए, आप जरूर शाखा में जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप शाखा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आप शायद जरूर जानते होंगे, मगर आप कल मेरे साथ चलिए और देखिए वहाँ क्या होता है, तब आप बात करिएगा। और उसके बाद मैं मदरसा में भी आपको ले चलूंगा। बंगाल में मदरसा में क्या हुआ था? बंगाल में मदरसा में एक टीचर ने कहा कि मैं जनगणमन गाऊंगा और तिरंगा फहराऊंगा, उसको किस प्रकार पीटा गया ये आपको पता है? खैर वहाँ भी आप ही जैसा कोई स्कॉलर होगा, आप ही जैसा कोई स्कॉलर होगा पीटने वाला, वरना ऐसा कोई पीटता है? जिसने कहा कि मैं राष्ट्रगान, सवाल के साथ मैं छोड़ के आपको जा रहा हूँ, आप जरूर फीडबैक दीजिए ट्विटर पर, IBN खबर के आप ट्विटर हैंडल पे आ सकते हैं, @ अमीश देवगन पे अपनी राय दे सकते हैं, साथ ही साथ आप फेसबुक पे अपनी राय दे सकते हैं, काफी लोग अपनी राय दे रहे हैं। मैं फेसबुक के कुछ कमेंट्स बताना चाहूंगा आपको। दीपक नेगी लिख रहे हैं, जो लोग राष्ट्रगान नहीं गा सकते उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। शिव पांडे लिख रहे हैं, जहां राष्ट्रगान नहीं गाया जाता उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए। क्या इस स्कूल ने अगर राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया है तो इस स्कूल को माफ कर देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है जरूर दीजिए। और साथ ही क्या इस देश में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे लिए भारत का संविधान ऊपर है, वो कंपल्शन नहीं देता कि राष्ट्रगान आपको गाना ही गाना है स्कूल के अंदर, ये वो कहता है, लेकिन हमें तो अपने माँ बाप के पैर छूने हैं, उनको नमन करना है, वो भी तो भारत का संविधान नहीं करता, करते हैं। उस पर अपना फीडबैक आप जरूर दीजिए। मैं तुरंत हाजिर हो रहा हूं आर पार में। आज का विषय आजादी के जश्न से पहले बहुत जरूरी है। आजादी के इतने साल बाद देश के कुछ स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं हो रहा, ये वाकई बड़ी खबर है, और ये वाकई वो खबर है जो हमें सोचने में मजबूर करे कि आखिर हम जा किस ओर। आप देख रहे हैं आर पार में ये बड़ी बहस, जश्न आजादी महज 3 दिन दूर है, और उससे पहले आर पार का बड़ा खुलासा राष्ट्रगान को लेकर। एक स्कूल में 25 सालों से नहीं गाया गया था राष्ट्रगान, लेकिन जब IBN 7 ने खबर दिखाई तो स्कूल ने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। लेकिन हमें ये खबर का असर हुआ इसकी खुशी नहीं है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि ऐसे और कितने स्कूल है इस देश में जहां जन गण मन नहीं गाया जाता, यानी जहां राष्ट्रगान नहीं गाया जाता, और कितने स्कूल है इस देश के अंदर। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के स्कूलों के अंदर राष्ट्रगान गाना कंपल्सरी है, और राष्ट्रवाद की ठेकेदार पार्टी जो मानी जाती है इस देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस का भी आरोप है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी आरोप है, वो उनका शासित राज्य नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस नेशनल एंथम को गाना मैंडेटरी करा था, वो भी हमारे सामने बात है। आलोक शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस दौर में, उनको स्टूडियो में आना था लेकिन बहुत जाम है दिल्ली के अंदर, इस वजह से वो स्टूडियो नहीं आ पाए। आलोक शर्मा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, IBN 7 के एक्सपोजे के बाद, आर पार के खुलासे के बाद राष्ट्रगान गाना शुरू हुआ है, लेकिन असल सवाल खड़ा है इस समय, कितने और सेंट जोन स्कूल है हमारे देश के अंदर, कितने और कॉन्वेंट स्कूल है इस देश के अंदर जहां राष्ट्रगान नहीं गाया जाता, बताइए। देखिए अमीश जी, 2-3 विषय हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज तो यह है कि राष्ट्रगान राष्ट्रगान है, राष्ट्र प्रतीक कोई भी है वो राष्ट्र प्रतीक है, वो किसी धर्म किसी जाति किसी मजहब के दायरे में अगर देखा जाता है ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के दायरे में आता है,
कोई व्यक्ति अपने आप को अगर स्कॉलर कहे तो मैं समझता हूँ कि ये विडंबना सबसे ज्यादा है कि ऐसे लोग अपने आप को स्कॉलर कहलवाना पसंद करते हैं। जहां तक राष्ट्रगान की बात है, राष्ट्रगान कंपलसरी हो चाहे नहीं हो, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी रूप में हो, राष्ट्रगान राष्ट्रगान है, हमारा देश के लिए हमारा समर्पण है। अगर उसको कोई भी स्कूल, कोई संस्था किसी भी रूप में उसको गाने से इनकार करती है या प्रश्न चिन्ह लगाती है तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी विडंबना है। इस तरह के कितने स्कूल है, नहीं है। लेकिन जब ऐसे मामले आते हैं आलोक जी, ऐसा क्यों है जब ऐसे मामले आते हैं, जब ऐसे मामले आते हैं तो सत्ता और विपक्ष में झगड़ा क्यों दिखाई देता है, पॉलिटिकल वॉर क्यों दिखाई देती है? हमने कन्हैया कुमार का इंसिडेंट देखा, हमने ऐसे हमने भारत माता की जय का इंसिडेंट देखा। क्या आपको लगता है कि इन मामलों पे राजनीति, राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए। अगर जेएनयू में नारे लगे और वो लड़के, जिन लड़कों ने और लड़कियों ने जिन्होंने मुंह पर पट्टी बांध कर नारे लगाए, आज तक वो किसी भी रूप में अरेस्ट नहीं हो पाए। आप भी अब आपको पता है मेरा अगला सवाल क्या होगा, उसमें तो राहुल गांधी चले गए थे। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक मामले को नरम रखते हैं, दूसरे मामले को हम गरम रखेंगे तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। आलोक स्थिति हो सकती है, मेरी नहीं हो सकती है। आप अगर किसी एजेंडे को लेकर बैठे, नहीं मेरा एजेंडा देश प्रेम है, मेरा एजेंडा देश है सर। आई से नो टू प्रेशर, आई से यस टू इंडिया सर, दैट इज माय एजेंडा। अरेस्ट क्यों नहीं हुए वो सवाल नहीं पूछेंगे आप बीजेपी से। राहुल गांधी वहां क्यों चले गए थे वो पूरा देश जानता है। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, ये पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, यहाँ तो हम बैठ के स्टूडियो में बहस करते हैं, पूरा कपटी राष्ट्रवाद हम लेकर यहाँ पर बैठ जाते हैं, लेकिन क्या जेएनयू के जम्मू कश्मीर के अंदर जिस समय पर एनआईटी में लोगों ने तिरंगा, बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल है, बीजेपी की सरकार, वही मैं कह रहा हूँ सर, वही मैं कह रहा हूँ, दोहरी राजनीति है, वही दोहरी राजनीति है जिसकी हम बात करते हैं। वीएचपी से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आप सवाल सुनिए, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। गौ रक्षा के लिए तो तमाम लोग तत्पर है, जो करता भी नहीं है उसको भी, उसकी भी पिटाई हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा वीएचपी करती है, डोंट टेक मी अदरवाइज, जैसे आलोक शर्मा ने मुझे ब्लेम करा आप भी मुझे ब्लेम कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, 25 सालों से एक स्कूल में राष्ट्रगान नहीं हो रहा था, सेंट जोन स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, आपके लोग नहीं थे उधर, पता नहीं लगा पाए, वैसे तो काफी चीजें पता लगा लेते हैं आप। आलोक जी नहीं नहीं, मैं आपसे सवाल, मेरे सवाल का जवाब सर, मेरे सवाल का आप आलोक जी को जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। देखो 125 करोड़ का देश है जी, अगर ये ध्यान में जब भी आ जाए जी, आज ध्यान में आ जाए तो आज ये शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि ऐसे जो देश में जितने भी विद्यालय, राष्ट्रवाद पे दोहरा चरित्र, मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं हमारा एक ही चरित्र है, राष्ट्रवाद का केवल चरित्र एक ही होता है, सारे दुनिया भर में एक ही चरित्र होता है, दोहरा चरित्र कहीं भी नहीं होता। और जो लोग दोहरा चरित्र, लोगों की कटाई करना भी राष्ट्रवाद है, जो लोग जो कानून को हाथ में लेना भी राष्ट्रवाद है, जो लोग दोहरा चरित्र में आते हैं वो सामने आ जाते हैं। अभी अभी आलोक जी एक बात कर रहे थे, आलोक जी आप सुनिए, आप जो लोग 25 साल से राष्ट्रभक्ति का गीत नहीं गा पाते हैं, वही लोग जवाहरलाल विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में जाकर के भारत के बंटवारे की बात करते हैं और उनके साथ आप खड़े होते हैं और आप बड़े गंदगी की चोट के साथ खड़े होते हैं। आलोक जी कुछ कह रहे हैं, आलोक जी फोन लाइन पे, उनको वो आलोक जी क्यों नहीं देती है, क्या कह रहे हैं आलोक जी, क्यों नहीं हुए ये बात कर रहा हूँ कि जो ऐसे संस्थानों से निकले हुए बच्चे सर, आप भी कंफर्टेबल, आप भी बीएचपी भी कंफर्टेबल लेना चाहते हैं, जिस हिंदू परिषद भी कंफर्टेबल लेना चाहती है, वही भारतीय विभाजन की बात करते हैं, आप भी कंफर्टेबल लेना चाहते हैं। आज आज बिल्कुल सीधे सीधे सटीक एक संदेश देने की जरूरत है कि ऐसे विद्यालयों की खोज होनी चाहिए, उनका पैसा कहाँ से आता है, वो देश की बर्बादी के लिए जी, 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 कर रहे हैं। ओके, वो लोग कौन है? आलोक जी आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ पाई, उसको विदेशों से आया, उसकी जांच क्यों नहीं कराती है केंद्र सरकार? तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के पास आपको संघ के विषय में कुछ नहीं पता है, अभी आप संघ के बारे में की बात करते थे, आपको संघ के विषय में कितना पता है, आपको संघ के विषय में कुछ नहीं पता है। शंकर जी अब बाकी को सुन लेते हैं, सुनिए तिवारी जी, तिवारी जी सच्चाई सुन लीजिए, तवारी जी सुन लीजिए, सच्चाई सुन लीजिए, प्रश्न तो इन्होंने किया था, सुन दिया ही नहीं, सुन लीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, संबित पात्रा जी सर, संबित पात्रा जी से, और हमारे तिवारी जी बैठे हैं और अभी दो चार और यहाँ नहीं आए हैं जो देश राष्ट्रवाद का आजकल पाठ पढ़ाने लगे हैं। नहीं सर, आपको ये राष्ट्रवाद का पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा लग रहा है, आपको लगता है राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए क्या?
जनगण मन नहीं गाना चाहिए, राष्ट्रगान नहीं गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए बोल दीजिए। आप तो ऐसा लग रहा है कि आप तो ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अगर कोई राष्ट्रगान नहीं गाता तो उसको मेडल दे देना चाहिए। अपना खून दिया है और ये हमें कल के आए हुए, ये कल के आए हुए जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर ये कहा था कि अंग्रेजों से लड़ना समय की बर्बादी है। जवाब संबित पात्रा जवाब संबित पात्रा गोई बोलिए गो एड। अरे ये हाँ ये खून देना बंद करे तभी तो बोलूंगा। देखिए जो स्कॉलर साहब हैं वो तो आप जानते हैं जाकिर नायक के तो आपने बहुत बढ़ा दिया है, पक्ष में हमेशा से बोलते हैं। और जाकिर नायक किसका समर्थक? सर ये खून देना बंद करिए सर, सर प्लीज हॉस्पिटल में जाकर गरीब को खून दीजिए, यहाँ पर क्या खून दे रहे हैं? थोड़ा सा शांति से बैठिए सर। ये स्कॉलर साहब काहे के इनके नाम से स्कॉलर हटा दीजिए। अमीश भाई जरा इनके नाम से वो स्कॉलर हटाइए, ये स्कॉलर कम लड़ाकू ज्यादा लग रहे हैं। आप हटाइए, सुनिए सुनिए, आप तो इतनी देर से बोल रहे थे, हम बोल रहे थे क्या? डॉक्टर बाहरा से बोल रहे हैं, बात रहने दीजिए, आप बोल दीजिए, दो मिनट आप ये बताइए, दिख रहा है देशभक्त, आप दिख रहा है, दिख रहा है जो सत्ता पाने के लिए दिख रहा है, आप देशभक्त शांत तो हो जाइए, देश को बांट रहे हैं और इनकी भूख अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी आपकी संबित पात्रा को बोलने दीजिए, 30 सेकंड तो दीजिए उनको, हो गया 30 सेकंड तो दीजिए, फिर मैं ब्रेक लूंगा, फाइन बैक गुजारिश 30 सेकंड दीजिए आपको। अभी अभी आपको जो है अभी आपको कर्नाटक भी चाहिए, मतलब इसके लिए आप कोई भी काम करने को। स्कॉलर साहब का भाषण बंद हो गया हो, फाइन बैक में बस समय नहीं है, तैयार हो जाएंगे। संबित पात्रा आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए 30 सेकंड आपके पास। जी आपका आप इनका साउंड थोड़ा कम करिए, देखिए ये गलत बात है। आप देखिए किस प्रकार की इनकी, ये स्कॉलर हैं, ये यही बच्चों को पढ़ाते हैं, इसी प्रकार की बात बच्चों को पढ़ाते हैं कि राष्ट्रगान नहीं गाना चाहिए। जाकिर नायक सही था और धर्म को बांटने की बात आप करते हैं, मैं बताता हूँ आपको धर्म को कौन बांट रहा है। जब 1947 में हम लोग लड़ रहे थे, जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग सब भारतीय लड़ रहे थे, उस समय हमारे मुसलमान भाई भी वंदे मातरम कहते थे, कोई तकलीफ नहीं लड़ रहे थे, मगर आज 70 साल के बाद वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कौन सिखा रहा है उनको? अच्छा वो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी लड़ रही थी, खाली आप लड़ रहे थे, वंदे मातरम गाएंगे नहीं, राष्ट्रगान गाएंगे नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, संबित पात्रा, विजय शंकर तिवारी, फहीम बेग, मोहम्मद अदीब, आलोक शर्मा। मैं इस दौर में आपके पास आता हूं आलोक शर्मा, और मैं 40 सेकंड में जवाब चाहूंगा आपसे, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप प्रमुख विपक्षी पार्टी है इस देश की, क्या आपको लगता है राष्ट्रगान गाना कंपल्सरी होना चाहिए, केंद्रीय सरकार को यह फैसला तुरंत लेना चाहिए, आपकी इस पर राय क्या है? आलोक शर्मा ओवर टू। देखिए मैं समझता हूं इसमें राजनीतिक कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कुछ इसमें अपना वक्तव्य दे, एक हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि राष्ट्रगान गाया जाए। अब इसको किस रूप में संसद और सरकार लेती है, क्योंकि सरकार से भी ऊपर आपकी डिमांड क्या है, आप क्या राय रखते हैं? मैं समझता हूँ बिल्कुल पूरी तरह से इसको संसद, अभी आज सत्र समाप्त हुआ है, अगले सत्र के एजेंडे में लिया जाना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए कि किस तरह से कानून बनाया जाए कि राष्ट्रगान पूरे देश में गाया जाए। जी अगर किसी को कहीं पर कोई आपत्ति है तो उसको भी वो संसद और संविधान के माध्यम से ही अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकता है। बिल्कुल लाजमी बात करी, वो ये संसद और संविधान के रास्ते से ही मामला होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद अदीब है तो उसका कोई डिस्कशन है तो जी, आलोक जी मेरे पास समय कम है, इस समय कम है, मोहम्मद अदीब मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, मेरा सीधा सवाल आपसे यही होगा, कितने जितने स्कूलों में इस समय राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा, एक तो वो एक्सपोज होने चाहिए, वो कौन से ऐसे स्कूल है? दूसरी बड़ी बात, क्या आपको लगता है कंपल्सरी होना चाहिए भारत के संविधान के दायरे में ये, और सरकार को ये फैसला लेना चाहिए, संसद को ये फैसला लेना चाहिए, आपकी राय क्या है? आधा मिनट मुझको दे दीजिए। बिल्कुल सर लीजिए, 40 सेकंड लीजिए, 40-50 सेकंड लीजिए। आधा मिनट। देखिए अमित जी, बहुत से ये छोट भैये स्कूल जो हैं ये 15 अगस्त की छुट्टी मना के घर चले जाते हैं, और छुट्टी ये जो प्रॉब्लम है इस पे आपको काम करना चाहिए, और इस मुल्क में ये जरूरी होना चाहिए कि हर स्कूल में जश्न आज़ादी मनेगा, और जश्न आजादी पूरा नहीं हो सकता जब तक कि वो नेशनल एंथम नहीं गाएगा जी। ये हमारा कंपल्सरी, ये हमको काम करना चाहिए। देखिए
ये आप बुनियादी बात समझिए, मैं जानता हूँ। सर मैं ये तो समझ सकता हूँ, बिल्कुल बुनियादी बात कह रहे हैं, मैं ये तो समझ सकता हूँ कि कोई वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता। चलिए उसका उसका मन नहीं करता, नहीं होता उसका दिल नहीं करता वंदे मातरम कहने का, लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाता। और उसको पर मेरे को एक बात पे आपत्ति है सर, छुटभैया स्कूल नहीं है, स्कूल स्कूल होता है। की बात सुन ले, सिर्फ एक मिनट की बात सुन ले। आप ये कोशिश करिए हर स्कूल में 15 अगस्त का जश्न मनाया जाए और उस जश्न में नेशनल एंथम गाया जाए। आप मुझे पर 15 अगस्त का सर मैंने बचपन जश्न मनाया जाता है, 15 अगस्त का जश्न मनाया जाता है, कई स्कूलों में 14 अगस्त को मनाया जाता है, कई स्कूलों में 15 अगस्त का जश्न मनाया जाता है। सर संबित पात्रा आपसे मेरा फाइन बैग में बस टाइम नहीं है। संबित पात्रा आखिरी सवाल आपसे, आप केंद्र में सरकार में हैं, आप राष्ट्रवाद की पुरजोर वकालत करते आए हैं, क्या आप ये फैसला लेंगे, क्या ये आप ये फैसला लेंगे कि राष्ट्रगान गाना कंपलसरी होना चाहिए हर स्कूल के अंदर? आप विनती सुन ले, आप नौजवान हैं, आप ऐसे प्रोग्राम मत किया कीजिए जहां दिलों को नफरत फैला की जाए। मेरा ये काम नहीं है मोहम्मद अदीब, मेरा ये काम नहीं है। संबित पात्रा जवाब, संबित पात्रा जवाब, ऑडियो मेड आउट, जवाब संबित पात्रा। हाँ मैं शांत हो जाए, अदीब साहब की बात में बोल लूंगा। देखिए जहां तक राष्ट्रगान के कंपल्शन का विषय है, दो चीजें मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात तो है एक हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट टू बी स्पेसिफिक, उसके कोर्ट का ऑर्डर है कि राष्ट्रगान कंपल्सरी है, तो जब तक उसको कोई भी कोर्ट ओवरटर्न नहीं करता, दैट स्टैंड्स गुड अक्रॉस द कंट्री। इसलिए ये देश के लिए खुद न्यायपालिका द्वारा दिया गया एक वर्डिक्ट है कि राष्ट्रगान सबको गाना है। दूसरी बात, लेकिन आपकी सरकार इस पे कोई काम करेगी नहीं करेगी, उस पर आप आश्वासन नहीं देना चाहते। चलिए इस खबर का असर तो ये हुआ कि रुड़की के उस स्कूल ने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया, लेकिन और कुछ कितने रुड़की के ऐसे स्कूल हैं जहां राष्ट्रगान नहीं होता? अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तुरंत हमारे साथ आप साझा करिए, उसको हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन IBN 7 पर तमाम खबरें लगातार जा रही हैं।